वेलकम बैक टू माई ट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आज के इस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र गोरखपुर यूनिवर्सिटी से है, मतलब कि डीडी यूनिवर्सिटी से है, और 2022 में जो होने वाला पेपर है उसकी बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में देख लेने वाले हैं केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है गोरखपुर यूनिवर्सिटी वालों का, बीएससी सेकंड ईयर वालों का, वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है? आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं। अब आपको कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान से देखना है, याद रखना जो मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चन पढ़ के जाना है, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही आप याद करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो देखो पहला क्वेश्चन पे आप टिक लगाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो आवर्त सारणी है उसकी आवर्त सारणी के बारे में आपको बताना है, किसके? कॉपर परिवार के एलिमेंटों के बारे में। आपके गेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन होगा, आप इस पर टिक लगा लीजिए, ठीक है? उसके बाद में नीचे जाएंगे और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, जिसे कहते हैं 3D संकरण सरणी की तुलना आपको करनी है 4D एंड 5D सरणी तत्वों से, ठीक है? तो 3D जो संकरण सरणी है उसकी तुलना करनी होती है, सीरीज की तुलनी होती है 4D और 5D सरणी तत्वों से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मोस्ट पे लगा देना बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आता है संकुचन, संकुल क्या होता है, कंप्लेक्स क्या होता है। तो कंप्लेक्स को आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, इस क्वेश्चन को आप टिक लगा लीजिए। उसके बाद में आप याद करेंगे कीलेट यौगिक, कीलेट यौगिक और कीलेट यौगिक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के बारे में आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और आप ये देखेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ ही साथ हम लिमिटेशन सीमाओं के बारे में, उनके उदाहरणों के बारे में याद करेंगे। और आप ये देखेंगे लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, और आपको एंटीनाइड, देखो लैंथेनाइड संकुचन के बारे में और एंटीनाइड तत्वों के बारे में आप याद करेंगे, ठीक है? उसके बाद में आता है आयनिक त्रिज्या, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको मोस्ट पे लगा देना आयनिक त्रिज्या। IUPAC नाम आपसे पूछेगा, लगभग में 2 से 3 पूछेगा, जिसमें आपसे 2 से 3 नंबर का होगा, ठीक है? या 5 नंबर का भी हो सकता है ये IUPAC नाम। आप IUPAC नाम तो आप बनाना जानते होंगे, यदि नहीं आता है तो हमारी वीडियो आप देख लेना, वहां आप सीख जाएंगे। उसके बाद में आपसे पूछा गया विद्युत रासायनिक सरणी, विद्युत रासायनिक सरणी जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने पहले से भी इसको अपलोड कर रखा है। उसके बाद में आता है रिडॉक्स विभव, देखो रिडॉक्स विभव मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, अब इसको भी आपके गेस्ट पेपर में है तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। 2022 में आप इतने पढ़ के जाते हैं तो आपको 85% प्लस देखने को मिलता है कि आप 2022 में टॉपर बनने वाले हैं। वही बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, देख ले सकते हो ये है अम्ल क्षार के लुईस, तो लुईस सिद्धांत के बारे में, जो लुईस ने सिद्धांत दिया था अम्ल क्षार का, उसके सफलता है उनकी सीमाओं को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट के अंतर्गत रखा जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये भी आप मोस्ट में रखना। इसको बोलते हैं HSAB, जिसे कहते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, जिसे बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, ठीक है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसमें शॉर्ट में याद कर लेना है। उसके बाद में अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को आप पढ़ लेने, ये गेस्ट पेपर में आपके मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक जो आप सीरीज मार्केट से लेके आए उसमें मिलेगा, अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वहीं आपको लिगेंड, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में हम जाएंगे नीचे जाएंगे और ये आप पढ़ेंगे ENA नंबर, जिसमें हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल का भी आपको रूल देखने को मिलता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो आपसे क्वेश्चन बन जाता है, या फिर आपसे इस तरीके से पूछेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है? ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में आपसे पूछ लेता है, जिसे हम EAN सिंपल भाषा में कहते हैं। तो ENA बार को हम केंद्रीय धातु का प्रभावी परमाणु संख्या भी बोलते हैं, तो प्रभावी परमाणु संख्या क्या होती है, ये कैसे याद की जाती है, वो आपसे पूछेगा। एक आपसे समवयता पूछ लेता है, ठीक है? तो समवयता सबसे ज्यादा प्रकाशीय समवयता और आयनिक और त्रिविमीय समवयता पूछता है, आप इन चारों समयता को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आप अच्छी तरीके से याद पाओ, मतलब ये आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद में आता है औरेय नियम की अवधारणा क्या होती है, औरेय नियम की अवधारणा के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनता है, जैसे औरेय नियम की अवधारणा, ठीक है? अम्ल और क्षार की औरेय नियम की अवधारणा के बारे में याद करेंगे, उनकी सीमाओं के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद में आता है लक्सफल्ड संकल्पना क्या होती है, लक्सफल्ड संकल्पना के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएंगे। और एक लास्ट में, बस लास्ट में आपको ये क्वेश्चन और देखना है जो होता है हमारा, ध्यान रखिए, जिसे कहते हैं डी ब्लॉक तत्व, संकरण तत्व की परिभाषा कीजिए, उनके गुणों के बारे में आपसे पूछता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। और इसमें, इसके अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जिसे हम संकरण तत्व भी बोलते हैं, इसके अंदर पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, चुंबकीय गुण के बारे में, और आपसे पूछता है कि जो संकरण यौगिक होते हैं उनके
कह सकते हैं संकरण यौगिक के बनने किस तरीके से बनता है, इससे चार तीन टाइप से क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में ही डिस्कस करना होता है, बाकी कुछ नहीं। अब इतना क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं 2022 में, तो आपसे वादा कर सकता हूँ कि यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप अच्छे नंबर से पास हो गए, 85% बोनस मिलेगा, टॉपर बनने वाले हो 2022 में, इस बात को याद करके चलिए। आपको अच्छे से काम करना है, बेहतर पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, हर परिस्थिति में आपका साथ दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखेंगे, जिसका हमारा थर्ड पेपर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।